फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गोभी ली थी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब वन बाइट के टुकड़ों में, कि मुँह में एक बार आ जाए, उतने छोटे टुकड़ों में मैंने काट के और वॉश कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना है, बॉईल करना है। गर्म पानी में डाल दीजिए और बॉईल होने दीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जब बॉईल हो जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। तो अभी बस ये अभी धुले हुए हैं, अभी मैं जा रही हूँ इन्हें बॉईल करने। इन्हें बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर इन्हें निकाल के ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें डाल दी हैं, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुई। यहाँ पर पहले मैंने डाला था मैदा 1/2 कप, फिर डाला 1/4 कप चावल का आटा और 2 चम्मच डाले हैं कॉर्नफ्लोर भर के। ये 3 चीज़ें डाली हैं, शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, इसे मैंने आपको बता दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। अब सबको मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और एक पतला सा बैटर तैयार करना है। चाहिए फ्लोइंग वे में गोभी हमने छान दी थी, ठंडी हो गई। अब सब डाल देंगे इसमें और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गोभी उबली हुई है तो वो टेंडर होगी, सॉफ्ट होगी, इसलिए ज़्यादा जोर से हाथ में लगाना, हल्के हाथों से इसे कोट करना है बैटर में। अच्छे से कोट हो गई है और ज़्यादा मोटी लेयर में चाहिए हमें, बिल्कुल पतली कोटिंग चाहिए। अभी हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सूखा मैदा लेना है और इसको ऊपर छिड़क कर थोड़ा सा इसे ड्राई करना है, इसे फेस पर छिड़क कर हम डाल देंगे, फिर सबको एक साथ हम दोबारा फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक।
दो चम्मच लिया हमने भर के पाँच लोग या पान, और इसका हम घोल बनाएंगे पानी डाल के पतला सा। से तीन चम्मच ऑयल, जो हम जिसमें हमने फ्राई किया है वही ऑयल डाल देंगे, दो से तीन चम्मच। देखिए मैं वही ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़े से डालना है, दो से तीन चम्मच। चला लीजिए थोड़ा सा। साथ ही में हम इसी टाइम डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज डाल देना है चॉप करके, और फ्लेम हाई रखिएगा क्योंकि लो करेंगे हम इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, उसके बाद अच्छा टेस्ट आता है गोभी मंचूरिये में। साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे, इसी में थोड़ी सी कटोरी में ताकि इसका जो लगा हुआ है सॉस वो बाहर आ जाए। तकरीबन मैंने डाले इसमें आधा कप के करीब पानी, और मिक्स करेंगे सब चीज़ों को, और तकरीबन दो से तीन मिनट तक इसे पकाएंगे। फ्लेम रखना है मीडियम टू हाई, जैसे मैंने पहले कहा। आप इसी स्टेज पर आप नमक मिर्च सॉसेस टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कमी लगती है या कि नमक कम है या कुछ चीज़ कम लगती है तो आप इसी स्टेज पर आप डाल सकते हैं पकने के बाद, या फिर जब गोभी डल जाती है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है आप इसी स्टेज पर करिएगा। जैसे कि मुझे हल्का सा इसमें नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें हल्का सा नमक और डाल दूँ, तकरीबन ये देखिए दो से तीन पिंच, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम लगा तो मैं दो से तीन पिंच सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। अब ये हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल जो हमने पहले तैयार कर रखा था, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे चलाएंगे। हमें बेसिकली इसको थोड़ा सा ठीक करना है, देखिए थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। जब हम देखेंगे थिकनेस आ गई है तो हम डालना बंद कर देंगे, ये नहीं कि पूरा घोल डालना है। बस ये देखिए अभी मैंने इसमें तकरीबन एक ही चम्मच गया होगा, थिकनेस बढ़ने लगी है। फ्लेम रखना है मीडियम टू हाई, थोड़ा सा और डाल देंगे और देखेंगे थिकनेस कितनी बढ़ गई। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है, हमें ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि अभी हमें इसमें गोभी को कोट करना है, तो ज़्यादा थिक कर देंगे तो गोभी कोट नहीं हो पाएगी। अब हमने जो ये फ्राई की हुई गोभी है इसमें डाल देंगे सब, मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम चाहे तो अभी बंद कर दीजिए क्योंकि अभी इसे पकाना नहीं है, अगर आप पकाएंगे तो जो क्रिस्पी गोभी है वो वापस से सौगी हो जाएगी, नरम बढ़ जाएगी, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब आखिर में हम डाल रहे हैं इसमें मिक्स करते टाइम ये ऊपर से हरा प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा रोटी डालने के लिए ये हमने आखिर में इसलिए डाला ताकि इसकी रंगत ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप ये शुरू में डाल देते तो ये काले पड़ जाते, इसलिए इसका हरेपन को बरकरार रखने के लिए मैं इसको आखिर में डालती हूँ। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा गोभी मंचूरियन। अब इसे चलिए सर्व करते हैं, और डिश में निकालने से पहले हम इसमें डाल देंगे ऑरिगानो, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे